तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज तुम लोग सोच रहे होगे कि मेरे साथ एक कौन है, तो ये छोटा बच्चा है और इसने मुझे चैलेंज किया है। इसने मेरा लास्ट वीडियो देखा था हिडन सीक्रेट वाला और इसने बोला कि भैया आप क्या बनाए हो हिडन सीक्रेट, आप मेरा वाला हिडन बेस कभी नहीं ढूंढ पाओगे। मैंने बोला अच्छा, मोर द पीकॉक द प्रो से तुमने चैलेंज किया है, तो अभी हम तुमको यहाँ पे दिखा देंगे। हाँ भैया, आप प्रो तो हो पर आप ना मेरा सीक्रेट बेस नहीं ढूंढ पाओगे, आपको पता है ना। ट्राई कर लो, मुझे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इतना बच्चों पे क्या है कि थोड़ा सा रहम खा लेता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एकदम इजी वाला बेस बनाऊंगा, देख लूंगा तुमको एक ही मार में हरा दूंगा। यहाँ पर 0-0 की जगह 1-0 हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। भैया ऐसा नहीं होने वाला है, आपको मालूम नहीं है कि मैं कितना प्रो हूँ। आप तो प्रो हो, मैं प्रोएस्ट हूँ भैया। और यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे 1 ही होगा और आपका 0 ही रहेगा। भैया आप टेंशन ना करे, मैं ही जीतने वाला हूँ। ओके देखते हैं। तो भैया पहले मैंने देखा था कि आपका एक जो सीक्रेट बेस है स्टार्ट होता है बेबलेट से, तो बेबलेट से पहले घुमाए। ओहो पूरा वीडियो देख के आया यार, सही है यार, तुम लोग भी वीडियो देखते हो क्या स्कूल किड की तरह? तो फटाफट से लाइक मार देना, सब्सक्राइब मार देना। तुमने तो सब्सक्राइब कर रखा है ना? मैंने सब्सक्राइब किया है और आपका है ना वीडियो को लाइक भी करता हूँ हमेशा, कमेंट भी करता। आपने तो मेरे कमेंट को लाइक भी किया था, मुझे याद है। ओ यस, तो फिर इसी बात पे अभी हम लोग अपने लास्ट वीडियो वालों को शाउट आउट दे देते हैं। तो वो है अमन गेमिंग, उमेर महमूद, जुनैद हुसैन, रूम्पा सिल और मीनू अरोरा को। तो और 5 सब्सक्राइबर्स को शाउट आउट मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोग को लाइक सब्सक्राइब करना और नीचे में अच्छा से कमेंट करना है वीडियो के बारे में। तो चलो अभी हम लोग बेब्लेड का चैलेंज करते हैं और देखते हैं टॉस कौन जीता है। मेरा येलो कलर का बेब्लेड देखो कितना अच्छा लग रहा है ना भैया। अरे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा वाला ब्लू कलर का है, ये देखो। वाह क्या सही है। जैसे ही मैं 3 बोल दूंगा तब हम लोग दोनों को फेंक देना है। ओके ओके ठीक है भैया। तो फिर 1-2-3। अरे मैंने पहले फेंका यार, चलो ठीक है कोई बात नहीं। थ्री बोलते हो तो उसके बाद तो फेंकूंगा ना। वेल डन, मेरा ही बेबलेट जीतने वाला है भैया। नहीं नहीं जीतने वाला तो मैं ही हूं। दिख रहा है मुझे, ये देखो ये आपका बेबलेट टूटेगा अभी देखना। और ये मेरा बेबलेट, ओ ओ ओ मेरा बेबलेट तो बहुत सही चल रहा है। नहीं चल रहा है, और ये तो बहुत ही काट। अरे यार बेबलेट तो जीत गया। अब क्या बोलना चाहते हो भैया? मेरा बेबलेट जीत गया। चलो ठीक है तुम जीत गए, कोई बात नहीं। बस तो सीक्रेट बेस अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं, पर सबसे पहले आपको मेरा सीक्रेट बेस ढूंढना है, ठीक है ना भैया? क्योंकि मैं बेबलेट का कंपटीशन जीत गया हूँ, ठीक है? हाँ हाँ भाई, सारा ऑर्डर तू ही दे ले भाई। सही होता है, मुझे मालूम है अच्छे से। हाँ सब पता है तेरे को। ले भाई मैं प्रणाम करता हूँ तेरे को, आजा मेरे गुरु। भैया चलो सीक्रेट बेस बनाने चलते हैं। ओके तो चलो तुम जाओ उस तरफ, मैं भी चला और बनाते हैं अपना सीक्रेट हाउस। जाने आपको जाओ। ओके ओके सही है। तो गाइस हम लोग अपना सीक्रेट बेस बनाने जा रहे हैं और मैंने एकदम इजी वाला लिया है यार, हम लोग बहुत दयावान हैं। तो मैंने जो सीक्रेट हाउस लिया है वो मैंने लिया है कि मैं यहाँ लावा पूल बनाऊंगा और उसके नीचे में अपना सीक्रेट हाउस होगा। यस उसे पता चलेगा क्या, देखते हैं। पहले मैंने ये पूरा सेटअप बना लिया है, अभी यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे 3 का होल कर लिया। अब यहाँ पे मैं हर जगह साइन बोर्ड लगा दूंगा बस, या मैंने यहाँ चारों तरफ साइन बोर्ड लगा दिया। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अब ऊपर में हम लोग लावा डालेंगे ना तो वो नीचे नहीं आएगा। आई थिंक मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये सच में काम कर रहा है क्या। ये काम कर रहा है लेकिन थोड़ा बहुत लावा नीचे आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इतना सा बनाया और यहाँ पर क्या किया मैंने, ये देखो यहाँ पर ये साइन बोर्ड लगा दिया। अब हर जगह साइन बोर्ड नहीं लग सकते, यहाँ लग गया तो यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन ये काम कर रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे लावा डाल देंगे इस तरीके से, ये देखो लावा ऊपर में फ्लोट कर रहा है, सही है ना? और यहाँ पे नीचे में अपना सीक्रेट हाउस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बन गया है। अभी यार वो तो सस्पिशियस हो जाएगा कि इतना छोटा लावा पूल नहीं होता है, तो उसका भी इलाज है। अभी हम लोग इसको बड़ा कर देंगे। अब सही लग रहा है, मेरे ख्याल से तो इसे फील नहीं होना चाहिए भाई, अगर उसे पता चल गया तो माइनक्राफ्ट उसे आता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो नहीं पता चलना चाहिए यार। अभी जब हम लोग लावा से अंदर में आएंगे तो यार हम लोग का जलने का बहुत ज्यादा खतरा रहेगा। अभी तो हम लोग क्रिएटिव में इसलिए हमें इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन सर्वाइवल में होंगे तो हमें आग लगेगा ना, तो हम यहाँ पे नीचे पानी भी डालना पड़ेगा, तो उसके लिए भी सेम सिस्टम करना है हमें। पर हम पानी का लेयर देंगे और यहाँ पे साइन बोर्ड लगा देंगे, तो लावा के बाद हम पानी में आएंगे, फिर वापस से फिर हम अपने सीक्रेट हाउस में आ जाएंगे। तो देखो अभी यहाँ नीचे है अपना सीक्रेट हाउस और ऊपर वाले लेयर में है यहाँ पानी और यहाँ पर है गैप और यहाँ पर है लावा। तो अगर हम लोग आ जाते हैं सर्वाइवल मोड में और फिर अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं भागते हुए, तो ऐसे जाकर लावा में घुसेंगे, फिर पानी में आएंगे और यहाँ हम लोग नीचे आ जाएंगे अपने सीक्रेट हाउस में। थोड़ा सा डैमेज होगा लेकिन भाई अपना कूल सीक्रेट
सीक्रेट हाउस यहाँ पर रेडी हो गया है। अभी मैं इसे हल्का सा डेकोरेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया है सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट फॉर शाउट आउट। और भाई वो आएगा कूल किड, तो उसे यहाँ पर मिल जाएगा अपना नेदरराइट का आर्मर। चलो उसका भी हम लोग देखते हैं उसने क्या बनाया है। गाइस मैं अपना ओपी वाला जो हिडन सीक्रेट बेस है वो इस घर के यहाँ पे बनाने वाला हूँ। और ना इसको तो मुझे लगता है कि भैया को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। और इस हिडन सीक्रेट बेस के लिए आप लोग को चाहिए ये रेडस्टोन का डस्ट, ये स्टिकी पिस्टन, ये रेडस्टोन टॉर्च, ये कंपोस्टर और ये ग्रास ब्लॉक। तो चलो इस घर को बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से ये जो ग्रास ब्लॉक है इसे तोड़ देते हैं। यहाँ पे ग्रास ब्लॉक लगाना है, उसके ऊपर में रेडस्टोन का डस्ट लगाना है, स्टिकी पिस्टन को ऐसे लगा देना है, फिर रेडस्टोन टॉर्च इसके ऊपर ऐसे लगाना है तो जिससे ये ऐसे सरक जाएगा। और कंपोस्टर को लगाना है इस जस्ट ट्री के नीचे में, तो यहाँ कंपोस्टर लगाना है और ये रेडस्टोन टॉर्च को यहाँ इसके ऊपर में पेड़ पे लगा देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही रेडस्टोन टॉर्च लगाया तो ये जो पोस्टर है वो आगे हो गया, और जैसे मैं उसको टॉर्च को तोड़ूंगा तो ये अपने पीछे आ जाता है। तो यहाँ रेडस्टोन का टॉर्च लगा देते हैं। अभी एक और बटन भी चाहिए तो वो बटन ले लेते हैं, और बटन को लगाना है ये साइड में, जैसे दबाते हैं तो ये कंपोस्टर ऐसे आगे पीछे होता है। देखो बस अब क्या करना है, ये कंपोस्टर के नीचे में है ना हिडन सीक्रेट बेस बनाना है। फटाफट से ये सारे के सारे ब्लॉक्स को मैं तोड़ देता हूँ और यहाँ पे हिडन सीक्रेट बेस बना देता हूँ। मैं एकदम नॉर्मल सा हिडन सीक्रेट बेस रखने वाला हूँ, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं करूंगा। और ये मैंने एक हिडन बेस तो क्रिएट कर लिया, एकदम स्मॉल सा है बट काफी क्यूट भी लग रहा है मुझे मेरी तरह। अब ये वाला जो एरिया इसे ग्रास ब्लॉक से कवर कर देते हैं। अब इसके चारों तरफ में ऐसे ग्रास ब्लॉक लगा देते हैं जिसे एंट्री करने के लिए बहुत इजी हो। और भैया को भी पता नहीं चले कि यहाँ पे रेडस्टोन का काम हुआ हुआ, तो इसलिए मैं सब जगह में ऐसे ग्रास ब्लॉक लगा देता हूँ। और इसके ऊपर में मैं थोड़ा सा ओक लीव्स भी लगा देता हूँ, और इस तरीके से मैं सब जगह लगा देता हूँ, भैया को एकदम भी पता नहीं चलना चाहिए। अभी देखता हूँ कि ये मेरा जो वर्क करता है कि नहीं। तो बस ऐसे कंपोस्टर के अंदर में आना है और इसे बटन को दबा देना है, और ये आ गए हम लोग सीक्रेट बेस में। अब देखते हैं भैया ने क्या सीक्रेट बेस बनाया। मुझे लगता है मैं तो भैया का सीक्रेट बेस ढूंढ ही लूंगा, तो चलो चलते हैं। और कूल किड भाई तेरा सीक्रेट बेस बना कि नहीं? मेरा तो रेडी है भैया, मेरा तो सीक्रेट बेस एकदम रेडी है। अभी आपको मेरा सीक्रेट बेस ढूंढना, आपको याद है ना मैंने बेब्लेड का कॉम्पिटिशन में जीता था। हाँ भाई तू जीतता है हर बार, लेकिन अभी नहीं जीत पाएगा, बेब्लेड ही तो जीता है, ये रेस नहीं जीतेगा। चल मैं तेरा सीक्रेट बेस एक सेकंड में ढूंढ के दिखा देगा। मैं आपको बता देता हूँ जो मेरा सीक्रेट बेस है ना वो इस विलेज एरिया के अंदर में है। अच्छा इस विलेज में बना दिया, सही है भाई। और है ना मेरा जो सीक्रेट बेस है ना बहुत ओपी वाला भी है, तो मुझे लगता है थोड़ा आपको टफ होगा। ओके टफ होगा। अच्छा तो चलो, मेरे को तुमने बोला है विलेज एरिया में, और ये विलेज एरिया तो काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं ढूंढ डालेगा। तो आपको मैं टिप दे देता हूँ, टिप दूँ मैं आपको भैया? नहीं 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 हो जाएगा, यू नो हम लोग ढूंढ सकते हैं ऐसे ही। ओके ओके जाइए 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 और ढूंढिए। इसमें देखो कुछ मिल रहा है क्या आपको भैया? मिला कुछ? अच्छा तू हिंट दे रहा है मेरे को कि इसके अंदर है? हाँ हो सकता है, मैं क्यों हिंट दूं, मैंने तुझे प्रोनस दिखाना मुझे कि मुझे तो नहीं चाहिए हिंट, अब मैं हिंट नहीं दे रहा हूँ। अरे यार ये तो मैंने गलती कर दी लगता है। चल कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लेगा मैं। तो ये तो टूटा फूटा घर है, इन घरों के अंदर में तो तूने नहीं बनाया होगा। पता नहीं आपको हिसाब से देखो। यहाँ पे तो दीदी ने है ना आपको प्रैंक किया था ना, मैंने देखा था एक दीदी के चैनल पे, क्या मजा लगा था वो प्रैंक। आप सारे टीएनटी से फूट गए थे ना। अब क्या कर सकते हैं, तुम मेरी बहन है ही ऐसी, थोड़ी प्रैंक वैंक बहुत ज्यादा करती है मेरे को। मुझे बहुत मजा आया था वो पार्ट देखा था तब। लेकिन अभी चिंता मत करो, हम लोग भी उसे दोबारा प्रैंक करने वाले हैं। हालांकि उसे दो बार मैंने पहले भी प्रैंक कर लिया है, लेकिन अभी हमें सीक्रेट हाउस ढूंढना है। यहाँ पर भी सिर्फ बेड लगाया हुआ है। चलो फिर, यहाँ तीन घर तो हम लोगों ने देख लिया, उसके अंदर में हमें कुछ सस्पिशियस लगा तो नहीं है। यहाँ पर भी इस घर के अंदर तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। गाइस तुम लोगों को कुछ दिख रहा है क्या? यार मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ ये तो वही है यार जिसमें दीदी ने चलकर बॉक्स लगाया था। वही कूल किड, मैं तेरे को दिखाता हूँ। इधर इधर इधर। हाँ भैया बताओ क्या देख रहे हो? अरे वो जो मैं सीक्रेट हाउस तेरे को दिखाता हूँ वो दीदी ने यहाँ पर बनाया था। अभी सही बनाना है दीदी ने सीक्रेट बेस। और चलो चलते हैं यहाँ से बाहर, आपको अभी मेरा सीक्रेट बेस ढूंढना है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, लगता तूने शल्कर बॉक्सेस देखे नहीं ना। हाँ तूने इस बात को मेंशन नहीं किया, इसका मतलब शल्कर बॉक्स वाले घरों में तो नहीं है, इतना तो मैं समझ गया हूँ। एक हिंट तो चलो हमें ऐसे ही मिल गया है। गाइस इसका मतलब घरों के अंदर में नहीं है ना, तो ये पहले ही मेंशन कर देता। ऐसा कुछ नहीं है, घर के अंदर में भी हो सकता है भैया, ऐसा कोई मैंने हिंट। हाँ मैं समझ रहा हूँ। यहाँ पर ये लीव्स क्यों है भाई? ओ बेटा सब घर में तो लीव्स है भैया, बेटा आपने देखा नहीं? अबैंडन विलेज के घरों में लीव्स नहीं होता है बेटा।
बड़ा बड़ा इधर देखो बड़ा बड़ा इधर देखो बड़ा बड़ा मूर्ख नहीं बनाने का बड़ा समझे ना बेटा बड़ा ऐसा नहीं होता है बेटा बड़ा ऐसा नहीं होता है बड़ा यहाँ पर इस वाले घर में लीव्स है और इस वाले घर में लीव्स है और मुझे किसी भी घर के बाहर लीव नहीं दिख रहा है। इसका मतलब तूने इन दोनों घर को छेड़ा है बेटा। बेटा मैं समझ गया हूँ बेटा, चिंता नहीं करो बेटा। बेटा मैं अभी देखता हूँ बेटा। अरे बेटा रुक जाओ बेटा। अरे बेटा रुक जाओ बेटा। बेटा मैं आ गया हूँ ना, चिंता ना करो बेटा। इस वाले घर में तूने उस वक्त स्पाइडर का जाला हाथों हाथ तोड़ दिया था और यहाँ अंदर में ही जाला लगाया हुआ है। इसका मतलब तूने इस घर में भी कुछ नहीं किया, नहीं तो इसको तू पहले ही तोड़ देता। नहीं 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 बेटा, बेटा तुझे इनकन्वीनियंस हुआता नहीं है, वो मैं पहले ही समझ गया था बेटा। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो रहे हो। हाँ बेटा, ये डिटेक्टिव मोर का काम चल रहा है यहाँ पे बेटा। ठीक है, मैं भी देखता हूँ आप कैसे ढूंढते हो मेरा सीक्रेट बेस। अभी यही एक घर बचा है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा है बेटा। बेटा इसी भी प्रद्युमन का यहाँ दिमाग घूम रहा है बेटा, यहाँ क्या हो सकता है। ओके यहाँ ये क्या हो रहा है, तू कंपोस्टर के अंदर क्यों घुस रहा है और यहाँ पर मुझे बटन क्यों दिख रहा है बेटा। बेटा कंपोस्टर कैसे आ गया? ओ अरे यहाँ पे आपने लगाया कंपोस्टर यहाँ पे? हाँ शायद मैंने ही लगाया था। इस घर में शायद होता होगा कंपोस्टर, आपको नहीं पता है। तो चलो चलते हैं फिर भैया, आपने तो देख लिया, आपको मिला नहीं ना सीक्रेट बेस अभी तक? नहीं नहीं बेटा, ये जो तूने अभी लाइन बोला ना, इससे मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है बेटा। क्या समझ में आया आपको? मुझे यही समझ में आया कि तू मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है बेटा। तू कंपोस्टर के आगे गार्डिंग क्यों कर रहा है बेटा? लो जाइए। यहाँ पर मुझे कुछ बटन जैसा स्वरूप दिखाई दे रहा है बेटा। कहाँ पे? मुझे तो दिख नहीं रहा है। ओ तुम्हें नहीं दिख रहा? हाँ वो कैसे दिखेगा, तुमने बॉडी ब्लॉक कर लिया है ना बेटा। सही बात है, नहीं दिखेगा। आपको कहीं पे और जगह सीक्रेट बेस ढूंढना था, आप जाइए तो देखिए क्या यहाँ पे क्यों आ गए। चलो बेटा सीक्रेट एक्सपोज हो चुका है, आप थोड़ा सा साइड हटिए। आप मेरे साथ अंदर क्यों घुसे जा रहे हैं, मुझे बटन दबा के देखने दीजिए। जाइए जाओ, आप जाओ भैया जाओ। यहाँ पर हमें बटन दबाने से ये खुल रहा है, लेकिन इतनी जल्दी खुल रहा है कि भाई इसके अंदर घुसे कैसे। आओ ओ मैं तो अंदर आ गया। अच्छा हमें कंपोस्टर के अंदर घुसना था और यहाँ पे तूने मेरे लिए पानी भी लगाया है। भाई तू कितना क्यूट है यार, मस्त है ना ये। अरे तूने बहुत ही बढ़िया बनाया मेरे लाल, लेकिन जैसा कि हमेशा होता है मोर को कोई नहीं हरा सकता, यू नो। कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत अच्छा बनाया सीक्रेट बेस, कम से कम आप उसकी तारीफ तो कर ही सकते हो। अरे बहुत अच्छा बनाया बेटा, बहुत अच्छा बनाया। वैसे अब मैं भी ऐसे ना डांस करूंगा, आपका सीक्रेट बेस बता दो मुझे कहाँ पे है। मैं क्यों बताऊँ, तुझे ढूंढना है बेटा। हाँ बट कौन से एरिया में ये तो बता दो। चलो बेटा चलो। आप काफी प्रो तो हो ये तो मैं मानता हूँ, बट मुझे वहाँ पे शायद ग्रास लीफ नहीं लगाना चाहिए था ना। कोई बात नहीं बेटा, तू सीख रहा है बेटा बेटा। अभी मैं जीत गया हूँ तो तुम्हें याद होगा कि दीदी ने क्या किया था। यहाँ पर वन लिखो, वन, और मेरे लिए पटाखे फूटेंगे। मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है मुझे। और ये हो गया है वन। यस आयुष वन और कूल किड जीरो। यहाँ पे वन हो जाएगा वैसे। अरे फटाके फोड़ो बेटा, फटाके फोड़ो। या एक और बार, एक और बार। कांग्रेचुलेशन ऐसा सेम टू सेम प्ले भी करना, मैं भी आपके साथ में डांस करूंगा। यस ओ ये तुम बहुत क्यूट हो यार, मेरे खुशी में खुशी मना रही। यस यस लेट्स गो। ओके चलो तो मैं बता देता हूँ कि वो जो ये डेजर्ट एरिया है ना उसमें है इतना सारा। चलो मैं थोड़ा सा नैरो डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो सुगर केन है इससे इधर में लेके यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला एरिया है ना यहाँ तक बस। तो ये डेजर्ट के अंदर में तो मुझे जितना मालूम है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि डेजर्ट में अंदर घुस जाए, आपने ऐसा बना दिया। मुझे क्यों पूछ रहे हो, कूल किडो तू, कूल है ना तो तू ढूंढ। अरे वो तो मैं कूल स्मार्ट सब कुछ मैं फटाफट ढूंढ ही। हाँ तूने पीछे डॉलर का साइन भी बना रखा है, तू भाई मिलियनर है यार। अरे सही है भाई, और यहाँ पर हम पिकॉक बने घूम रहे हैं। मैं ऐसे ढूंढ रहा हूँ कि किस जगह में आपने इसे लगा दिया होगा। हाँ खाली परेड ही मत करते रहना, यहाँ पर ढूंढ भी लेना। अरे अरे चिंता मत करे भैया,
मैं आपसे भी ज्यादा स्मार्ट हूँ ज्यादा। भैया इस पानी के अंदर में मुझे लग रहा है कुछ बनाया है अपने। नहीं नहीं पानी से ओए तोड़ क्यों रहा है? मैंने ये रूल बनाया था ना, भूल गया क्या? हम लोग को तोड़ने फोड़ने वाला काम नहीं करना है, हम लोग को बाहर में ही मिल जाएगा। कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, तोड़ने फोड़ने का काम नहीं होना चाहिए। इस कैक्टस के नीचे है क्या? अबे क्या कर रहा है तू यार, तू सच में बच्चा है क्या? अबे छोड़ा बच्चा है क्या तू, क्या कर रहा है यार? थोड़ा थोड़ी मत कर। ओ यहाँ पे लावा है, अरे लावा के अंदर मैं कैसे जाऊँ? क्या कर रहा है तू भाई, लावा के अंदर क्यों घुस रहा है? हो सकता है लावा के अंदर में आपने कुछ बनाया हो। लावा के अंदर में कहाँ से क्या बनता है भाई? अरे आपको क्या पता, मुझे ऐसे ऐसे सीक्रेट बेस पता है ना, तो मुझे लगता है लावा के अंदर में आपको कहाँ आता होगा सीक्रेट बेस बनाना। और कहाँ पे आपने बनाया मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे लावा पूल, ऐसा टाइप का लावा पूल कैसे बनाया भैया? ये मैंने नहीं बनाया, ये ऑलरेडी होता है, तूने कभी देखा नहीं है? ऐसा कब होता है, मैं तो माइनक्राफ्ट खेलता हूँ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे लग रहा है आपने बनाया। अरे यहाँ पे कोई बटन है? अरे तोड़ना नहीं है मेरे भाई, सब कुछ तोड़ता जा रहा है तू यार। और क्या कर रहा है तू, लावा में घुसे जा रहा है। कितना अग्नि परीक्षा देगा अपनी? अग्नि परीक्षा देना पड़ता है भैया जीतने के लिए, आपको पता है ना भाई। तो कितना अंदर जाएगा यार, मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही है यार। तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा तेरे मम्मी पापा को? तोड़ना है, कितना समझा रहा हूँ गाइस यार, बच्चों को समझाना कितना मुश्किल होता है और मैं बाल बाल बच गया हूँ लगता है। पर मुझे मिल नहीं रहा है ना, कहाँ पे है? लगता है इसे पता नहीं चलने वाला। अबे कहाँ घुस गया है तू? तो आपने पिछली बार भी तो पानी में बनाया था ना, तो इस बार भी अगर आपने बनाया तो? अरे यार तू तो भाई मिस्टर डिटेक्टिव का डिटेक्टिव है भाई। 3 मिनट हो गया है, वैसे तो 1.5 मिनट का ही टाइम होता है ढूंढने का, तू हार मान ले अब। नहीं नहीं अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास, मैं ढूंढ रहा हूँ। तू हर चीज तोड़ता है यार, मैंने तेरे को कितनी बार बोल दिया भाई। अरे वो क्या होता है ना, एक्साइटमेंट के चक्कर में वो थोड़ा टूट जाता है भैया, गलती से थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। हाँ ये बावरी है तो तू एक नंबर का। वहाँ है, गलती से मिस्टेक हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। तो चल मैं 10 तक गिनने वाला हूँ। 1 मैं ढूंढ रहा हूँ, रुको रुको भैया 10 तक। 2 3 लग रहा है मुझे, 4 लग रहा है मुझे, यहाँ पे है। हाँ हाँ यहाँ पे। 5 रुको रुको, 6 7 पहले भी देख लिया था यार, तू कितना लावा के अंदर घुसेगा। 10 भाई हार मान ले, आजा बाहर आजा मेरे भाई। मैं ढूंढ नहीं पाया, अजीब लग रहा है। मैं बताऊं तेरे को, अभी तेरे को बहुत अफसोस होगा सच में, क्योंकि मैं बता देता हूँ तू सीक्रेट हाउस को छू के भी रह गया यार। पता तू लावा के अंदर घुस रहा था, तू यहाँ पर भी घुसा, हर जगह घुसा, लेकिन तुझे पता है कहाँ घुसना चाहिए था? यहाँ पे। ये देखो सीक्रेट बेस बनाया अपने, ऊपर से ये नेदरराइट का आर्मर भी है यहाँ, तो मैं ले लेता हूँ। आपने यहाँ पे क्या लिखा है, सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट? पर मुझे बहुत खराब लग रहा है कि मैं यहाँ पे आया भी और बीच में क्यों नहीं घुसा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था तू ढूंढ, ऑलमोस्ट तूने 99% ढूंढ लिया था बे। मुझे आपसे हिंट मांग लेना चाहिए था ना, मेरी गलती हो गई। अभी मुझे कुछ पॉइंट मिलेगा? पॉइंट कैसे मिल सकता है तुझे? मैं जीत गया। मुझे खराब लग रहा है, ऐसे डांस मत कर भैया। भाई मेरे किड तूने ढूंढ ही लिया था यार, तू 99% क्लोज था, मैं देख के हैरान हो रहा था। मैं ढूंढ नहीं पाया, मुझे खराब लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना तू भी विनर ही है यार, तू भी विनर ही है। मैं भी तेरे लिए फोड़ देता हूँ क्योंकि तू ऑलमोस्ट क्लोज था, मेरे को लगता है तू भी एक विनर ही है। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो गाइस आज का सीक्रेट बेस चैलेंज तो बहुत ही गजब का रहा यार, ये भी काफी प्रो है, लगता है इसके साथ और भी हमें कुछ कुछ ट्राई करना पड़ेगा। तुम लोग बताओ हम लोग को क्या चैलेंज और करना चाहिए। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने दीदी का आयरन मैन सूट चुराया था, वो वाली वीडियो तुम लोग को स्क्रीन पे दिख रही है, तो अभी तुम लोग वो वाली वीडियो एंजॉय करो। तो हम लोग मिलते हैं उस वीडियो में, बाय बाय।